गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका अपना चैनल है मोंटेसरी एजुकेशनल ग्रुप मसौली पटना में। आपका बहुत दिन के बाद आपका क्लास शुरू हुआ है और उस क्लास का लॉकडाउन के मद्देनजर रखते हुए आपका ऑनलाइन क्लास का सुविधा दिया जा रहा है। और आपका यूट्यूब में आप मोंटेसरी एजुकेशनल ग्रुप मसौली पटना पे आप देख सकते हैं। आज आपका एक इंग्लिश का बहुत छोटा आपका एक बेसिक लेवल पर आपका क्लास शुरू हो रहा है और वे आपका पहला आपका टॉपिक है आपका इंग्लिश। क्योंकि आपका इंग्लिश जब शुरू होता है तो आपका ये जानना जरूरी होता है कि आखिर इंग्लिश है क्या, इंग्लिश के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर इंग्लिश है क्या। ये बोला गया है कि इंग्लिश इज द फॉरगेट लैंग्वेज, यानी कि बोला गया है कि अंग्रेजी है एक विदेशी भाषा है। फॉरगेन का मतलब होता है विदेशी और लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, यानी कि अंग्रेजी एक आपका विदेशी भाषा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी कि इसे बोला गया है इसीलिए इसे हम अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय और लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, यानी कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, यानी कि ये पूरे विश्व में बोले जाता है, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में आपका बोला जाता है। और ये आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, आपका हिंदी है तो आपका इसी क्षेत्र में बोला जाएगा, पूरे क्षेत्र में नहीं बोला जाता है। भोजपुरी है, आपका भोजपुरी बताओ तो इसी क्षेत्र में बोला जाएगा, सबका अपना अपना सेक्टर है। लेकिन एक मात्र लैंग्वेज इंग्लिश है जो पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है और वे आपका इंग्लिश है। और इंग्लिश को हम लोग कौन सा इंग्लिश पढ़ते हैं तो बोला गया है कि बी स्टडी अबाउट ब्रिटिश इंग्लिश, यानी कि हम लोग का जो अंग्रेजी पढ़ते हैं वह हम लोग का ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश आपका एक अमेरिकन इंग्लिश भी होता है लेकिन हम लोग अमेरिकन इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश इंग्लिश। और ब्रिटिश इंग्लिश में क्योंकि ब्रिटिश सरकार मेरे यहाँ बताओ अपने देश पर राज किया था और उस राज के कारण कुछ नहीं दिया लेकिन वह अपना एक लैंग्वेज छोड़ा गया और उसी लैंग्वेज है उन लोग का है इंग्लिश। और उस इंग्लिश का आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे अगला है आपका पोर्शन है आपका ग्रामर। बहुत से लोग जो ग्रामर होते हैं ग्रामर का स्पेलिंग बहुत से गलत लिखते हैं, जैसे ग्रामर का किसी को स्पेलिंग बोला जाए तो लिखते हैं GRAMMER लिखते हैं, बहुत से देखिएगा तो आपका ये रहता है। ग्रामर पर स्पेलिंग थोड़ा सा सुधार कीजिएगा, GRAMMER अगर करते हैं तो आपका गलत होगा, आपका ग्रामर का मीनिंग GRAMMER होता है, ध्यान दीजिएगा। और ग्रामर को हिंदी में हम लोग उसको व्याकरण कहते हैं, ग्रामर को हिंदी में हम लोग व्याकरण कहते हैं। आखिर व्याकरण है क्या, ग्रामर आखिर है क्या। बोला गया है कि ग्रामर इज द सोर्सेस ऑफ राइटिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग समथिंग करेक्टली, यानी बोला गया है कि ग्रामर यानी कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम लोग समथिंग करेक्टली, जिसके माध्यम से हम लोग शुद्ध शुद्ध राइटिंग, राइटिंग का मतलब होता है लिखना, स्पीकिंग, स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना, रीडिंग, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना और अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझना। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम लोग शुद्ध शुद्ध आपका लिखना बोलना पढ़ना और समझना आ जाए उसी को हम लोग कहते हैं ग्रामर। फिर से समझिए ग्रामर आखिर है क्या। बोला गया कि ग्रामर इज द सोर्सेस ऑफ राइटिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग समथिंग करेक्टली, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम लोग शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना पढ़ना और समझना आ जाए उसी को हम लोग ग्रामर कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं व्याकरण। इसको आप जल्दी से जितना हो सके आप फटाफट नोट कर लीजिए, आपका एक मिनट का टाइम देते हैं। चलिएगा आप लोग का अब नोट हो चुका होगा है ना बाबू, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, इधर ध्यान दो इधर इधर
है ना। और जब मेरा जब क्लास करते हो, चाहे आप घर पर बैठे रहो या कहीं भी बैठे हो, है ना, तो आपका एक आपके पास एक कॉपी और एक कलम होना जरूरी होता है। आप कैसे जानिएगा, आप खाली बैठ के वीडियो नहीं देख सकते हैं, इसलिए आपको बाबू कॉपी और एक कलम लेकर बैठना जरूरी होता है ना। चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं आगे हम लोग का क्या है सेक्शन। अगला हम लोग का जो सेक्शन है वे आपका ग्रामर का ही है, और उस ग्रामर में हम लोग देखेंगे कि ग्रामर, अभी देखें तो ग्रामर में आखिर कितने भाग में बांटा गया है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर बोल सकते हैं। अगर इसका क्वेश्चन बोला जाए तो आप बोल सकते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वे होगा कि देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर को पांच भागों में बांटा गया है। आपसे पूछेगा ग्रामर के कितने भागों में बांटा गया, तो ग्रामर को पांच भागों में बांटा गया है। ग्रामर को पांच भागों में बांटा गया है। फर्स्ट का जो नाम होता है उसका नाम है आपका ऑर्थोग्राफी। फर्स्ट जो पार्ट इसमें है आपका ग्रामर का पांच भागों में बांटा गया है, उस आपका ग्रामर का पांच भाग बांटा गया उसका फर्स्ट का नाम है आपका ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी को हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्ण विचार। दूसरा जो नंबर है वे हम लोग का है एटिमोलॉजी, और एटिमोलॉजी को हिंदी में शब्द विचार कहते हैं, एटिमोलॉजी को हिंदी में शब्द विचार कहते हैं। तीसरा जो नंबर आता है वे हम लोग को आता है सिंटैक्स, सिंटैक्स को वाक विचार या इसी को वाक रचना विचार कहते हैं, या तो आप वाक विचार लिख सकते हैं और नहीं तो इसी को आप वाक रचना विचार भी कर सकते हैं। बहुत से लोग वाक विचार भी बोलते हैं वो भी सही है, बहुत से लोग बोलते हैं वाक रचना विचार वो भी आपका सही है, इसमें आपका कोई गलत नहीं है। चौथा नंबर आपका आता है उसका नाम है पंक्चुएशन, और पंक्चुएशन को हिंदी में हम लोग आपका चिन्ह विचार कहते हैं, पंक्चुएशन को हिंदी में चिन्ह विचार कहते हैं। और जो लास्ट जो ग्रामर का जो पार्ट होता है वे आता है प्रोसोडी, प्रोसोडी को हिंदी में छंद विचार कहते हैं, प्रोसोडी को हिंदी में छंद विचार कहते हैं। ये आप लोग का ग्रामर का ये पांच भागों में बांटा गया, आखिर ग्रामर का कितने भागों में बांटा गया, तो ग्रामर का पांच भागों में बांटा गया आपका बोला गया है। और फर्स्ट आपका नाम है ऑर्थोग्राफी, इसको आप बोल सकते हैं ऑर्थो, तो पढ़ेगा तो आपका ज्यादा समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा ऑर्थो यहाँ से पढ़ेगा ग्राफी, ऑर्थोग्राफी जिसको हिंदी में कहते हैं वन विचार। दूसरा आपका नाम है एटिमोलॉजी, इसको होता है एटिमोलॉजी, और एटिमोलॉजी को होता है शब्द विचार। तीसरा जो आपका नंबर आता है वह है आपका सिंटैक्स, और सिंटैक्स को बोलते हैं वाक रचना विचार या इसी को कहते हैं वाक विचार। चौथा आपका नंबर आता है पंक्चुएशन को जिसको हिंदी में कहते हैं चिन्ह विचार, और जो सबसे जो लास्ट आता है उसको होता है प्रोसोडी, प्रोसोडी का मतलब होता है छंद विचार, इसको आप बोल सकते हैं पंक्चुएशन यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग चिन्ह विचार। आखिर ये ग्रामर का ही पार्ट है ना, और इसको आपको सही से जानना है। अगर आप यहाँ से अगर ध्यान नहीं देते हैं, बेसिक अगर यहाँ से आप ध्यान नहीं देते हैं तो आगे चलकर इसी का आपको बहुत दिक्कत करेगा, बहुत परेशान करेगा। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोग को इंग्लिश में आपका जानना बहुत जरूरी होता है, और इंग्लिश में आपका इंग्लिश ग्रामर सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें आपका सब इसी में आपका आएगा, तो वन विचार इसी में आएगा आपका, एटिमोलॉजी है, सिंटैक्स है, आपका ये पांच प्रकार के होते हैं। जल्दी से उसका नोट कीजिए, एक मिनट के पास टाइम है। दस मिनट हो गए।
लास्ट अभी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आपका क्लास रखते हैं, आपका टाइम ओवर हो रहा है। आज आपका फर्स्ट क्लास था इसलिए आपका हुआ है ना। और आपका चैनल है मोंटेसरी एजुकेशन ग्रुप, आप इसका लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इससे हम लोग का प्रेरणा मिलता है, इससे हम लोग प्रेरित होते हैं ताकि इससे और बेहतर हो सके। अगर आपके पास कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप कॉन्टेक्ट नंबर इतना पर आप कर सकते हैं 9135271511 पे, यानी कि 9135271551 और एक ये आता आपका 11, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। या तो आपका वीडियो नहीं मिलता है या तो आपका PDF नहीं मिलता है ना, तो आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, ठीक है, नेक्स्ट डे है ना, हैव ए नाइस डे, ओके। अरे बंद कर।